एग्जीक्यूट करना। मान लीजिए मेरा 23 रुपीज का प्रीमियम चल रहा है और हमको इसको बाई करना है, समझिए 24 रुपए के ऊपर जाएगा तो, और मार्केट 23 पे चल रहा है, हम 24 पे बाई करना चाहते हैं, हम 24 का लिमिट ऑर्डर लगाते हैं, लेकिन ये एग्जीक्यूट 23 पे ही हो जाता है। एग्जीक्यूट 23 पे ही होगा, क्यों होगा? क्योंकि आप हाई लेवल पे लिमिट लगा रहे हैं लेकिन मार्केट उससे कम प्राइस में चल रहा है, तो मार्केट आपका ट्रेड हमेशा कम प्राइस में ही एग्जीक्यूट करेगा, वो मार्केट ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपको समझिए 25 पे बाई करना है, आप लिमिट ऑर्डर सोच रहे हैं कि हम इसको बाई करते हैं, हम यहाँ पे लिमिट ऑर्डर अपना 25 लगा देंगे और मार्केट चल रहा है 23 पे, 25 पे ये बाई हो जाएगा, तो 25 पे ये बाई नहीं होगा, ये संग संग मार्केट ऑर्डर में 23 पे ही बाई हो जाएगा। अगर आपको 25 पे बाई करना है तो आपको SL ऑर्डर लगाना पड़ेगा, क्लियर है? SL में जाके आपको 25 इसको SL ऑर्डर लगाएंगे, तब क्या होगा, आप ये जो ऑर्डर लगाए हैं एग्जीक्यूट नहीं होगा, अभी ये ऑर्डर पेंडिंग में पड़ा रहेगा, जब ये ट्रिगर होगा तब जाके आपका ट्रेड एक्टिव होगा, क्लियर है? हाँ, क्योंकि आप नॉर्मल लिमिट ऑर्डर लगा रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है, 25 पे आप बाई करने की कोशिश कर रहे हैं, मार्केट 23 पे चल रहा, तो 23 पे ही आपको बाई करके देगा, आपको तो और 2 रुपया कम में दे रहा है मार्केट, तो आपको हमेशा कम प्राइस में देने की कोशिश करेगा ना। और आप 25 पे बाई करना चाहते, क्यों 25 पे? क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा, तो आप क्या सोचते हैं कि 25 के ऊपर जाएगा तो हम बाई करेंगे, तो ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, तो आप लिमिट ऑर्डर 25 लगाते तो मार्केट ऑर्डर में 23 पे मिल जाता, जो कि मेरे को 23 पे लेना ही नहीं है। तो 25 पे बाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, SL ऑर्डर का यूज करेंगे, ठीक है? ये SL लगाएंगे तो मेरा ये बाई अगर करेंगे तो ये बाई नहीं होगा, ये बाई कब होगा, जब मार्केट मेरा इस प्राइस पे आएगा तब जाके एग्जीक्यूट होगा, क्लियर है? तो 25 के पास जाएगा तो मेरा ट्रेड एक्टिव हो जाएगा, समझ में आया?